बच्चों, हम हमारी पुस्तिका का प्रथम अध्याय पूरा कर चुके हैं, जिसमें हमने इस पूरे अध्याय के बारे में भी जाना, साथ में उसके लघुतरात्मक प्रश्नों के बारे में भी हमने पूरी चर्चा कर ली है। आज का ये जो हमारा भाग है बच्चों, ये विविधता की समझ के जो अध्याय है उसके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि निबंधात्मक है, यानी कि जिनका हमें काफ़ी लंबे लिख के उत्तर लेना है, तो उससे संबंधित है। तो ये जो भी प्रश्न है बच्चों, इनको आपको पूरे अच्छे प्रकार से लिखना है, ठीक है? क्योंकि जब भी आप लिख के ही उत्तर की का अभ्यास करेंगे, तो आपको अच्छे प्रकार से लिखने का अभ्यास भी होगा, साथ में आपको उत्तर भी याद होता जाएगा, ठीक है? तो इसलिए आपने कॉपी पेन निकाल के तैयार हो जाइए, और एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे प्रकार से आपको अपनी कॉपी में लिखना भी है और उसको समझना भी है। इसके लिए बच्चों, अगर आपको ये लगता है कि आप इस उत्तर को नहीं लिख पा रहे हैं, तो ये जो वीडियो चल रहा है इसको पॉज कर दीजिए, यानी कि इसको वहीं पर रोक दीजिए। जब ये वहां पर रुक जाएगा, तो पूरे प्रश्न का उत्तर आप आसानी से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, ये पहला प्रश्न, अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए। इसमें से कौन कौन से त्योहार सभी समुदाय द्वारा मनाए जाते हैं? ये आपको बहुत ही सरल सा प्रश्न बताया है कि आप कौन कौन से त्योहार मनाते हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। अब इसमें विभिन्न समुदायों के बारे में पूछा है, तो इस विभिन्न समुदायों के द्वारा कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, उसमें हम देख लेते हैं, लोहड़ी, बुद्ध पूर्णिमा, ओणम, गांधी जयंती, गुरु नानक जयंती, गणतंत्र दिवस, गुड फ्राइडे, स्वतंत्रता दिवस, दशहरा, दिवाली, ईद, बकरीद, क्रिसमस, ये सारे विभिन्न प्रकार के त्यौहार हैं। अब इन त्योहारों में से आपको अलग अलग त्योहारों को छांटना है। अगर आप बात करें कि अलग अलग धर्मों के जो त्यौहार हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसमें से आपको छांट के लिखने हैं, ये आप खुद छांटिएगा। दूसरी बात, अगर हम सर्वधर्म की बात करें, जो सर्वधर्म यानी कि सभी लोग मनाते हैं, सभी धर्मों के जो लोग त्यौहार मनाते हैं, तो वो त्यौहार है बच्चों जो पहले है, गांधी जयंती। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? गांधी जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को, ठीक है? और अगर हम बात करें गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 26 जनवरी को। और अगर हम बात करें स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि आप सभी लोग 15 अगस्त, 26 जनवरी और गांधी जयंती बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आप ही नहीं, पूरे भारत के जितने भी धर्म के लोग हैं, जितने भी समुदाय के लोग हैं, वो सभी इन तीनों जो भी हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, राष्ट्रीय उत्सव हैं, उनको सभी लोग आपस में मिलजुल कर मनाते हैं। तो ये कौन कौन से हैं राष्ट्रीय उत्सव? ये हैं गांधी जयंती, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, आपके विचार में भारत की समृद्ध और विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है? यानी हमारा जो देश है वो विविधताओं वाला देश है। यहाँ पे अलग अलग तरीके के से लोग रहते हैं, अलग भाषा, अलग वेशभूषा, अलग अलग उत्सव त्यौहार मनाए जाते हैं, तो ये हमारे जीवन को किस प्रकार से बेहतर बनाते हैं, प्रश्न ये पूछा गया है। तो ये आप सोचिए, अपने अनुभव से भी उत्तर देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये जो उत्तर लिखा हुआ है बच्चों, ये सिर्फ आपको मार्गदर्शन देने के लिए दिया गया है कि आप इस तरीके से उत्तर लिख सकते हैं। बाकी अगर आप अपने अनुभव से उत्तर लिखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है? तो प्रयास ये कीजिए कि आप अपने तरीके से उत्तर लिखने का कोशिश करें। भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है, ठीक है? विविधताओं का देश है, यहां विभिन्न जातियां, भाषाएं, धर्म आदि के लोग रहते हैं। खान पान, रहन सहन के ढंग, पहनावे में भी उनमें विविधता देखी जा सकती है, यानी कि ये सभी चीज़ें हमारे देश में विविधताओं से संबंधित हैं। इसी प्रकार भारत की विभिन्न विरासत हमारे देश को बेहतर बनाती है। हम जब विभिन्न लोगों के संपर्क में आते हैं, उनसे मित्रता करते हैं, उनके साथ पढ़ते हैं, काम करते हैं, तो हम उनकी भाषा, उनका रहन सहन, उनके पहनावे के बारे में जानते हैं और उनसे कुछ नया सीखते हैं, ठीक है? इस तरह से भाषा, भोजन, संस्कृति का आदान प्रदान होता है। धीरे धीरे एक मिश्रित संस्कृति यानी मिलीजुली संस्कृति उभरती है, जिससे हमारा जीवन बेहतर बनता है। यानी कि सभी लोग जब आपस में मिलजुल के रहते हैं, तो बहुत सारी नई नई चीज़ें सीख लेते हैं, हम नए नए तरीके सीख लेते हैं, और इन नए नए तरीकों और नई नई चीज़ों के कारण ही हमारा जीवन क्या बन जाता है? बेहतर बन जाता है, बहुत ही अच्छा बन जाता है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, उन त्योहारों की सूची बनाइए
जो हो सकता है समीर एक और समीर दो मनाते हैं। अब बच्चों समीर एक कौन था, समीर दो कौन था, ये आपको तभी पता होगा जब आपने अध्याय को अच्छे भांति पढ़ा होगा। तो इसके लिए हमने एक कहानी पढ़ी थी बच्चों, याद हो तो, समीर एक और समीर दो की। तो इसमें समीर एक कौन था, समीर एक वह व्यक्ति था जो हिंदू धर्म से संबंधित था, ठीक है। और समीर दो कौन था, समीर दो वो एक बालक था जो मुस्लिम धर्म से संबंधित था। तो इसमें समीर एक और समीर दो के द्वारा मनाए जाने वाले उत्सवों के बारे में पूछा है। तो इसके लिए हम कौन से उत्सव लिखेंगे, हिंदू धर्म के उत्सव और मुस्लिम धर्म के उत्सव, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल भी आपको ऐसे नहीं सोचना है कि समीर एक कौन था, समीर दो कौन था। इसके लिए आप अपने जो पुस्तिका है उसमें पूरा जो कहानी दी है उसको पढ़िए, और इसके जो पहले के भाग हैं उसमें भी आप ये चीज़ें देख सकते हैं। तो चलिए उत्तर करते हैं। समीर एक था जो हिंदू धर्म से संबंधित था, वो कौन कौन से उत्सव मनाएगा। आप भी होंगे, बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ होंगी अपने हिंदू धर्म से कौन कौन से उत्सव मनाती हैं, तो वो लिखिए यहाँ पर। होली मनाते हैं हम, दिवाली मनाते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं, दशहरा, रक्षाबंधन, और भी बहुत सारे त्यौहार हैं जो हम मनाते हैं, उनके बारे में उनके नाम यहाँ पर आपको लिखने हैं। दूसरा, समीर दो मुस्लिम धर्म से संबंधित था, तो आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो मुस्लिम धर्म के हैं, बच्चियां हैं मुस्लिम धर्म की हैं, तो वो कौन कौन से त्यौहार मनाती हैं, कौन कौन से उत्सव मनाती हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। ईद मनाते हैं हम, मुहर्रम मनाते हैं हम, बकरीद मनाते हैं, पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन मनाते हैं, और भी छोटे छोटे काफ़ी उत्सव हम मनाते हैं, तो उनके बारे में आपको यहाँ पर उनका नाम लिखना है। आगे का जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न चार, एटलस में भारत का नक्शा देखिए। ये गलत लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे नक्शा है, भारत का नक्शा देखिए, उसमें ढूंढिए कि दोनों क्षेत्र लद्दाख तथा केरल कहाँ पर हैं, यानी कि हमें लद्दाख देखना है और केरल देखना है। दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियाँ, वहाँ के भोजन, कपड़े और व्यवसाय पेशे को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, उनकी सूची बनाना है। सबसे पहले मानचित्र में आपको मानचित्र देखना आना चाहिए बच्चों। मानचित्र में आपको हर जगह के बारे में देख के जब ही पता चलेगा जब आप मानचित्र को स्वयं देखेंगे, ठीक है। तो जब जहाँ से भी आपको मानचित्र मिलता है, एटलस में मिलता है या बाहर से ख़रीदा हुआ है या फ़ोन में देख रहे हैं या कंप्यूटर में देख रहे हैं, तो मानचित्र को देखिए कोई कौन कौन सी जगह कहाँ पर है, और उसके बाद में आप लद्दाख और केरल को ढूंढने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और फिर हमें यह देखना है कि उनकी भौगोलिक स्थिति दोनों की क्या है, यानी कि लद्दाख कहां पर स्थित है, वहां की भौगोलिक स्थिति क्या है, केरल कहां पर स्थिति है, वहां की भौगोलिक स्थिति कैसी है, और फिर उसका उत्तर देना है, ठीक है। सबसे पहले हम मानचित्र में केरल और लद्दाख को देख लेते हैं कि केरल कहां है और लद्दाख कहां है। तो इसके लिए बच्चों हम देखते हैं कि हमारा ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये है लद्दाख, ठीक है। ये कहाँ दिख रहा है मानचित्र में, ऊपर की तरफ, और मानचित्र में ऊपर की तरफ क्या होता है बच्चों, ऊपर की तरफ होता है उत्तर, उत्तर दिशा होती है, और नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है बच्चों, दक्षिण दिशा होती है, ठीक है। इधर होती है पूर्व दिशा, और इधर कौन सी दिशा होती है, पश्चिम दिशा। ये आपको पता होना चाहिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये हमारे मानचित्र में दिशाएं होती हैं। तो लद्दाख कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा में, भारत के उत्तर दिशा में क्या है भाई, यहाँ पर पूरे पर्वत हैं। तो लद्दाख की भौगोलिक स्थिति कैसी हो गई, पर्वतीय हो गई, यानी कि ये पर्वतों के बीच में बसा हुआ है लद्दाख, पर्वतों के बीच में है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, इसलिए क्या होगा, ये सर्दियों वाली जगह है, सर्दी है, शीत यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ती है, और इसीलिए ये रेगिस्तानी भी इलाका है, यानी कि शीत रेगिस्तान लद्दाख को कहा जाता है। ये हमने लद्दाख की भौगोलिक स्थिति पढ़ ली। अब हम केरल देखते हैं, यानी कि मानचित्र में आप केरल देखेंगे तो कहाँ देखेंगे, बिल्कुल नीचे की तरफ। ये हमारे भारत का दक्षिणी हिस्सा है, और दक्षिणी हिस्से में भी पश्चिम की तरफ, यानी कि केरल कहाँ पर है अगर हम देखेंगे दिशा में, तो दक्षिण पश्चिम में, यानी कि इस दिशा में है, तो ये दिशा कौन सी कहलाती है, दक्षिण पश्चिमी दिशा। तो केरल राज्य कौन सी दिशा में है, दक्षिण पश्चिमी दिशा में। अगर हम इसके भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो इधर इसके जल है, जल कौन सा है, अरब सागर है, ये पूरा क्या है, अरब सागर। और अगर हम केरल की बात करते हैं इस तरफ, तो इस तरफ अन्नामलाई पहाड़ियां हैं, तो केरल पहाड़ों के बीच में, यानी एक तरफ उसके पहाड़ी है इधर,
और इधर उसके समुद्र है। तो पानी यानी कि जल और पहाड़ों के बीच में बसा हुआ एक राज्य है, कौन सा? केरल। अच्छा, केरल में गर्मी पड़ती है। गर्मी क्यों पड़ती है भाई? क्योंकि हम जब नक्शा पढ़ते हैं तो बीच में भूमध्य रेखा आती है, तो भूमध्य रेखा के कारण केरल में गर्मी अधिक पड़ती है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के निकट है इसलिए इस पर गर्मी का प्रभाव अधिक होता है। तो ये दोनों हमने क्षेत्रों को देखा मानचित्र में, इनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जाना। अब एक बार हम उत्तर देख लेते हैं। लद्दाख की भौगोलिक स्थिति जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा हुआ एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। ये जम्मू कश्मीर रहा, ये लद्दाख रहा। भोजन, यहाँ का भोजन क्या है भाई? लोग दूध से बने हुए भोजन करते हैं। क्योंकि दूध से बने हुए क्यों? क्योंकि लद्दाख में अधिकांश बकरियाँ का व्यवसाय किया जाता है, यानी कि बकरी पालन ज़्यादा की जाती है। हमने पढ़ा था बकरियों से पश्मीना ऊन प्राप्त होती है, तो ज़्यादा पशुओं को पालने के कारण वहाँ के लोग जितने भी खाद्य पदार्थ उपयोग में लेते हैं वो सभी भी दूध से बने हुए हैं, जैसे मक्खन, चीज़, छेना और मांस, ये सब यहाँ का प्रमुख भोजन है। अगर हम बात करें कपड़े, तो लद्दाख के लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र कहाँ है बच्चों? ये क्षेत्र है हमारे कहाँ पर? उत्तरी ध्रुव के पास। कहाँ पर है? उत्तरी ध्रुव के पास चला जाता है। और हमें पता है कि ध्रुवों पर ज़्यादा सर्दी होती है, तो ये क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के पास में होता है, यानी कि ऊपर की तरफ, तो इसलिए यहाँ पर सर्दी अधिक होती है। तो लोग वस्त्र भी उसी तरीके के पहनेंगे, सर्दी वाले ही कपड़े ज़्यादा पहने जाते हैं। व्यवसाय, यहाँ पे खास किस्म की भेड़ और बकरी पाली जाती है, जिससे पश्मीना ऊन मिलती है। क्या मिलती है? पश्मीना ऊन, जिससे ये लोग इकट्ठा करके व्यापारियों को बेचते हैं। ये हमने लद्दाख के बारे में पढ़ा। अब हम केरल के बारे में देख लेते हैं। केरल की जो भौगोलिक स्थिति है वो भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है। इसमें एक तरफ समुद्र है और एक तरफ पहाड़ियाँ हैं, ये हमने मानचित्र में देख लिया था। भोजन, यहाँ के लोग मछली अधिक खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे समुद्रों से मछली पकड़ी जाती हैं। साथ में सब्जी और चावल खाते हैं, क्योंकि चावल का बहुत अधिक उत्पादन होता है यहाँ पर, तो ये इनका प्रमुख भोजन है। कपड़ों में लोग सूती कपड़े पहनते हैं। सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि ये भूमध्य रेखा के करीब है, यह जो केरल राज्य है भूमध्य रेखा के करीब है, इसलिए इसमें गर्मी अधिक पड़ती है, इसलिए सफ़ेद और सूती वस्त्र अधिक पहने जाते हैं। व्यवसाय, देखो केरल के लोग मुख्य रूप से व्यवसाय के लिए मसालों का व्यापार करते हैं। किसका? मसालों का, क्योंकि हमने पढ़ा था कि केरल की जो पहाड़ियां हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियां, उनमें बहुत सारे मसाले का उत्पादन होता है। लौंग, इलायची, ये सब चीज़ें वहाँ पे उगाई जाती हैं, तो इसलिए वो व्यापार करते हैं मसालों का। साथ में वो खेती भी करते हैं और मछली भी पकड़ने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है? भारत की खोज किताब से लिया गया इस वाक्यांश में नेहरू भारत के एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? दो प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों, इसमें दो प्रश्न क्या है? पहला तो अनेकता में एकता के विचार के बारे में पूछा है कि ये क्या आप भारत के लिए उपयुक्त है। दूसरा, नेहरू जी के द्वारा कही हुई बातों के बारे में पूछा गया है। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर हम देते हैं। चलो, भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत या स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर शासन था तो विभिन्न धर्म, भाषा, क्षेत्र और महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे, उनमें एकजुट होकर आंदोलन किया था, इकट्ठे जेल गए, अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से उन्होंने विरोध किया। ये हमारी देश की एकता है। लोगों ने दिखा दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक हैं। ये बात हो गई पहले उत्तर की, यानी कि अनेकता में एकता वाली बात। दूसरी बात पूछी है नेहरू जी के द्वारा कही हुई बातें। उनकी किताब थी भारत की खोज, उसमें उन्होंने एक बात कही थी, यानी जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता को कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। ये बात लिखी है नेहरू जी ने अपनी पुस्तिका भारत की खोज में। तो ये दोनों चीज़ें ही आपको इस प्रश्न के तहत लिखनी है। हमारा छठा प्रश्न है बच्चों, ये बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। क्या आप ऐसी किसी स्थिति के बारे में सोच सकती हैं जब आपने उससे दोस्ती की हो जो आपसे बहुत अलग हो? इसका वर्णन एक कहानी के रूप में कीजिए। बच्चों, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है कि ऐसा कोई
ऐसी कोई स्थिति हुई हो कि आपसे बिल्कुल विपरीत कोई लड़की हो जिससे आपने दोस्ती की हो, जैसे कि समीर एक ने समीर दो से की थी, उन दोनों में बहुत अंतर था, उम्र में भी अंतर था, उनकी आर्थिक स्थिति में भी अंतर था, उनके धर्म में भी अंतर था, तो ऐसे कोई अंतर आपके किसी दोस्त में हो, आप में उस दोस्त में, यानी कि जो भी आपके ऐसा लगता है कि ये मेरे से बिल्कुल अलग है फिर भी हम बहुत अच्छे मित्र हैं, तो ऐसी पूरी बात आपको कहानी के माध्यम से लिखनी है और ये आपको खुद लिखनी है। इसका उत्तर मैं आपको नहीं बता रही हूँ। आप अपने दोस्त के बारे में पूरी बात लिखिए कि किस तरीके से आपसे दोस्ती हुई, आपके दोस्त में कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो आपसे बिल्कुल अलग है, तो ये आपको अपनी कॉपी में लिख के बताना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये हमारा जो पूरा अध्याय है कुल 7 भागों के अंतर्गत हमने अध्ययन किया है, जिसके 5 भागों के अंतर्गत हमने इस पूरे अध्याय को पढ़ा, साथ में 2 भाग हमने प्रश्नोत्तरों के देखे जिसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न के बारे में चर्चा की और निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में चर्चा की। तो बच्चों, ये पूरा अध्याय आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसे लगता है कि इसको आप बहुत कम समझ पा रहे हैं तो दोबारा इस पूरे अध्याय को आप देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगले हम अध्याय 2 की चर्चा करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए बच्चों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।